प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रैस वे का दिल्ली दौसा लालसोत सैक्शन राष्ट्र को समर्पित किया। 247 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क विकास प्रोजेक्टों का नींह पत्थर भी रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को 18,100 करोड़ तो वध की लागत वाली योजनाओं का तोहफा भी दिता। इस मौके समागम को संबोधन करदे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जदों अजिहियां आधुनिक सड़कों, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मैट्रो ते हवाई अड्डे बनते हैं तो देश की तरक्की को भी नवी रफ्तार मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि जिन्ना वध बुनियादी ढांचे ते निवेश होता है उन्ना ही रोजगार मिलता है। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इस मौके संबोधन करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुपना है कि समाजिक, आर्थिक और सिक्ख्या के खेत्र में पछड़े हुए खेत्रों को विशेष तरजीह मिलनी चाहिए है। जिन्हां नाल संबंधित 500 ब्लाकों की पछाण की गई है। उन्होंने कहा कि यह राजमार्ग इन्हां इलाकों लिए एक ग्रोथ इंजन के तौर पर काम करेगा। प्रधानमंत्री के आत्म निर्भर भारत और अंतर्राष्ट्रीय पद्धर के बुनियादी ढांचे के तौर पर विकास के मकसद को भी हाल करेगा। दिल्ली लालसोत सैक्शन के बनने नाल जयपुर और दिल्ली विचाले यात्रा समा 5 घंटियां तो घट के तकरीबन 3.5 घंटे हो जाएगा। इस नाल समुचे खेत्र में आर्थिक लाभ मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कनैक्टिविटी के खेत्र में चुके गए विशेष कदमों संबंधी लगाई गई एक प्रदर्शनी भी देखी।